ये साइड व्यू है हमारा साइड का, चारों ओर पहाड़ी पहाड़ देख रहे हैं। पहाड़ के बीच में एक सब स्टेशन बन रहा है अभी, बाउंड्री वॉल आपका कंप्लीट है। इसको बाउंड्री वॉल कहते हैं। और ये है कंट्रोल बिल्डिंग, जिसका काम अभी जोरों शोरों से चल रहा है। ये है बाउंड्री वॉल, ये है ब्रिक वर्क, इसको ब्रिक वर्क कहते हैं। ये है आपका कॉलम, जो आपका सीमेंट सैंड और एग्रीगेट से बनता है कॉलम। नीचे है आपको, नीचे जो है उसको कहते हैं, नीचे इसको कहते हैं टाई बीम और प्लिंथ बीम। बीच में जो बीम है उसको कहते हैं मिड बीम। जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ डिफेक्ट है, जैसे यहाँ पे हनीकॉम निकला हुआ है, जो हालांकि अच्छा जो काम है उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक से अगर वाइब्रेटर चलाएंगे तो आपका हनीकॉम नहीं आएगा। इसके ऊपर में अभी होगा प्लिन, इसके ऊपर होगा कूपिंग, कूपिंग होके आपका बाउंड्री वॉल का काम कंप्लीट होगा। अभी हम बिल्डिंग का कुछ चीज़ आपको दिखाएंगे जो अभी काम चल रहा है। ये है हमारा कंट्रोल बिल्डिंग। इसका FGL NGL में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ना ये पहाड़ी इलाका है तो आपका जो फिलिंग होगा वो नीचे से ऊपर तक पूरा फिलिंग ही होगा। FGL जो है ऊपर में आता है इसका। ये है आपका कॉलम, बिल्डिंग का कॉलम ब्रिकवर्क हुआ है। ऊपर में जो दिख रहे हैं वो है प्लिन बीम और टाई बीम, जिसका काम चल रहा है। साइड में आप देख सकते हैं कॉलम बीम जंक्शन, जहाँ पे एल निकला हुआ है। यहाँ पे टाई बीम का काम चल रहा है जोरों शोरों से। ये आपका 16 का बार, ये है स्टीरअप जो 8 का रेनफोर्समेंट से बनाया गया है। 150 स्पेसिंग के अंदर मिस्त्री लोग बांधेंगे इसको। इसको हम स्टीरअप कहते हैं, इसको स्टीरअप कहते हैं। आपका जो प्लिन बीम है, जो बीम बंधेगा वो आपका हमेशा कॉलम के अंदर रहना चाहिए। बीम का जो रेनफोर्समेंट है कॉलम के अंदर रहेगा। तो दोस्त लोग, मैं वही बोल रहा था, यहाँ पे एक काम हुआ है, जो प्लिन बीम मिस्त्री लोग काम किए हैं वो कॉलम से बाहर दे दिए हैं। तो मिस्त्री लोगों को मैं बोला हूँ कि वो जो रॉड है आपका कॉलम के अंदर से ही जाएगा, प्लिन बीम का, इसको टाई बीम भी कहते हैं। क्योंकि ना इसका काम है जो लोड है ऊपर का वो नीचे प्रॉपरली जाए, उसको देखना हम लोगों का काम है, इंजीनियर्स लोगों का। तो उसी हिसाब से आपका जो टाई बीम का रॉड है वो आपका कॉलम के अंदर ही रहेगा हमेशा। अभी ये लोग टाई बीम का काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं जिंदल का सरिया, 550D। डी का मतलब बोलिए क्या होता है, कमेंट करके बोल दीजिएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना ही।